हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो माय फैमिली चैनल पे आप सबका स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। आप सब कैसे हो? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी शाम का 7 बज गया और मैं दिया बत्ती कर ले रही हूँ अभी। और स्पेशल है आज वीडियो, मतलब गरबा दिखाने के लिए आपको मैं ले जाऊँगी। अरे यहाँ पर मेरे जो मैं सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर गरबा हो रहा है और डांडिया भी हो रहा है, मतलब माता जी की मूर्ति रखे हुए हैं। तो वहाँ पर भी मैं अभी आरती करने के लिए जाऊँगी। तो इस सबसे पहले मैं घर में आरती पूजा कर लूँगी, उसके बाद से अभी खाना बना के और फिर मैं जाऊँगी वहाँ आरती करने के लिए। तो अभी मैं फटाफट से खाना बनाने के लिए लग गई हूँ। तो यहाँ पे लौकी की भुजिया बना ले रही हूँ और चावल रख दी हूँ। फटाफट से दाल बना दूँगी और अभी प्रियांशी के पापा बस घर में रहेंगे, खाना खाएंगे और रहेंगे। हम लोग अभी प्रियांशी और पल्लवी और हम चले जाएंगे। तो अभी पल्लवी को रेडी नहीं की हूँ, तो बस रेडी करूँगी। यहाँ पे मैं बस सरसों का तड़का लगा दी हूँ और टमाटर डाल के, लौकी डाल के, स्वाद अनुसार नमक डाल के बस इसका भुजिया बना दी। और यहाँ पर प्रियांशी और पल्लवी आइसक्रीम खा के गिरा दिए हैं, तो बस उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ अभी। जैसे कि पल्लवी खा रही थी तो प्रियांशी हाथ से मतलब मार दी, तो जाके सारा आइसक्रीम गिर गया। तो यहाँ पे अभी मैं इसको, ये बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर रही है, नीचे रह ही नहीं रही। जैसे कहीं जाने का रहेगा ना तो ये और ज़्यादा बदमाशी करती है। तो यहाँ पे मैं लौकी का भुजिया पूरा बन गया है कम्प्लीट। तो अब मैं जाके दाल रख दी हूँ और चावल भी अब हो गया हो। तो अभी यहाँ पे मैं पल्लवी को रेडी कर ले रही हूँ और प्रियांशी को मैं पहले ही रेडी कर दी थी, उसके बाद यहाँ पे पल्लवी को रेडी कर दी हूँ। तो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मतलब प्रियांशी पहले ही बार बार गेट के पास निकल के जा रही है। तो अभी मैं अब फाइनल में जा रही हूँ। मतलब 9 बज गया है, तो 9 बजे आरती हो गया, 9 बजे से आरती स्टार्ट होता है। तो फिर यहीं से मैं अपना घर से, बस थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट लगता है जाने में घर से। तो वहाँ पे मैं आरती स्टार्ट हो गया है, तो मैं थोड़ा मतलब 9 बजे ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मेरा लेट हो गया है। तो यहाँ पे देख रही थी आके, तो आरती स्टार्ट हो गया था और यहाँ मैं प्रियांशी को खड़ी कर दी हूँ। यहाँ जैसे कि बॉक्स लगे हुए हैं तो उसको मतलब देख देख के अब डांस करेगी। तो मैं जा रही हूँ, अब यहाँ सब आरती कर ली है, अब मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पे मैं जब आरती कर रही थी ना, तो प्रियांशी बिल्कुल मेरे गोदी से नहीं उतर रही थी। और यहाँ पे पल्लवी भी आरती कर ली, बस इसको ना थाली पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे कि दिए रहते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे मतलब लाइट की वजह से ना अच्छा से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब आपको मैं माता जी का दर्शन करवा दे रही थी। आप भी माता जी का दर्शन कर लीजिए। तो यही ग्राउंड में हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी आज मतलब हो गया है 5वां दिन हो गया है, उसके बाद कल 6वें दिन में जैसे कि हम लोग निकलेंगे। तो शनिवार को हम लोग निकलेंगे, ये शुक्रवार का वीडियो। और देखिए यहाँ पे गरबा पल्लवी को सिखा रहे हैं ये इसकी फ्रेंड लोग, क्योंकि पल्लवी को ना डांडिया बिल्कुल नहीं आता है। तो गरबा भी 2-3 दिनों तक सीखी, अभी डांडिया सीख रही है। काश मतलब ज़्यादा भी रहती ना 9 दिनों तक तो सीख ही जाती, लेकिन कहाँ समय नहीं मिला इसके वजह से। अब हम लोग चले जाएंगे इसके वजह से, नहीं तो फिर अभी पूरा 9 दिन रहती तो सीख जाती। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा सा, उतना तो नहीं आता है, पहली बार गुजरात में खेल रही है ना। जैसे कि इन लोग बच्चे लोग गुजरात का ही है, इसके वजह से इन लोगों को बचपन से ही आया है। और अभी बच्चे इतना अच्छा से कर रहे थे ना, देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग 9 बजे आए थे, तो अभी टाइम हो गया है 11 बज गया है। तो मैं घर जा रही हूँ फटाफट से, बस खाना बना के आई थी, तो मैं अब जाके खाना खाऊंगी। तो आज मेरा छोटा सा ही वीडियो था, मतलब गरबा दिखाने के लिए आप लोग को और आरती माता जी का दर्शन करवाने के लिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अब घर जाने वाला ब्लॉग में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।